कहते हैं सिकंदर इतिहास का पहला ऐसा राजा था जिसके नाम के साथ महान शब्द जुड़ा। सिकंदर या अलेक्जेंडर नाम के आज दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब सिकंदर जिंदा था तो लोगों के लिए जीत का मतलब ही सिकंदर हो गया था। वो सिकंदर जो आज तक एक भी जंग नहीं हारा था और जिसने दुनिया को जीतने का सपना देखा था। पर सिकंदर महान क्यों था? आखिर क्यों अपने समय के सभी राजाओं से अलग था सिकंदर? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का बेटा था। ये वो वक्त था जब ग्रीस अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और मकदूनिया उनमें से एक था। फिलिप का सपना ग्रीस के सभी राज्यों को इकट्ठा करके एक दिन पर्शियन एम्पायर पर कब्जा करने का था। पर्शियन एम्पायर इस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था जो लगातार ग्रीस के इन छोटे राज्यों पर हमला करता रहता था। कहते हैं सिकंदर जब 12 साल का था तब उसने एक जंगली घोड़े को साध कर उसकी सवारी की। जब फिलिप ने देखा तो उसने सिकंदर से कहा कि मेरी सल्तनत तेरे लिए बहुत छोटी है, तू जा और अपनी कोई सल्तनत ढूंढ। फिलिप पूरे ग्रीस को एक साथ लाने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन फिर सिकंदर की बहन की शादी के दिन फिलिप की हत्या कर दी गई और सारा राज सिकंदर के हाथ आ गया। नई रिसर्च से ये भी सामने आया है कि यूं तो सिकंदर और फिलिप के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते दोनों में मतभेद होने लगे थे। साथ ही फिलिप ने सिकंदर की माँ को तलाक देकर एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी जिसने सिकंदर की गद्दी के दावे को कमजोर कर दिया था। और ये मुमकिन था कि शायद सिकंदर ने ही फिलिप को मरवाया हो। सिकंदर उस वक्त के महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल का भी शिष्य था और सिकंदर का मानना था कि अगर आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते तो धरती पर 2 राजा कैसे हो सकते हैं। सिकंदर ने 19 साल की उम्र में ग्रीस छोड़ दिया और पर्शिया पर हमला बोल दिया। सिकंदर की वहाँ के राजा डेरियस के साथ 3 बार भिड़ंत हुई और आखिर में डेरियस वहाँ से भाग गया। ये देखकर डेरियस के सिपाहियों ने उसे कायर कहकर खुद ही मार दिया। जब सिकंदर को ये बात पता चली तो डेरियस के कातिलों को सिकंदर ने मौत की सजा दी। साथ ही पूरे पर्शियन रीति रिवाजों के साथ डेरियस के शरीर का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार भी कराया। सिकंदर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा लोगों को भाती है वो ये है कि उसका बाकी राजाओं के साथ व्यवहार। सिकंदर जंग से पहले ही राजाओं को समन भेज देता था कि अगर वो उसके अधीन आ जाएं तो वो युद्ध नहीं करेगा और उन्हें अपने इलाकों पर सिकंदर की तरफ से ही राज करने देगा। ऐसे में कई बार सिकंदर ने अपनी जीत बिना लड़े सुनिश्चित की। सिकंदर हारे हुए राजाओं की विधवाओं और उनके परिवारों के साथ भी अच्छे से पेश आता था और उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देता था। नरेंद्र सिंह कपूर ने सिकंदर पर लिखते हुए सिकंदर को जर्नैलों का जर्नैल कहा था। वो आगे बताते हैं कि एक बार सिकंदर ने 400 मील की यात्रा सिर्फ 11 दिन में पैदल करने की ठानी थी। यात्रा के दौरान सिकंदर के सिपाही थक गए और सभी आराम करने लगे। इस यात्रा में पानी की बहुत कमी थी। जब 2 सिपाही दूर से पानी लेकर आए तो सिकंदर ने तब तक पानी पीने से मना कर दिया जब तक कि उसकी फौज के आखिरी सिपाही तक की प्यास नहीं बुझ जाती। कहते हैं जब सिपाहियों ने सुना तो उनमें एक नया जोश आ गया और उन्होंने सिकंदर से दुनिया को उसके कदमों पर ला देने का वादा किया। सिकंदर ने अपने इस अभियान में कई रियासतें जीती और 35 नए शहर बसाए जिसमें से सिकंदर ने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया या अलेक्जेंड्रिया रखा। सिकंदर ने जो घोड़ा 12 साल की उम्र में साधा था उसी पर सवारी करते हुए वो उस दुनिया को जीतने के अभियान में निकला। इन बसाए गए शहरों में से एक शहर का नाम सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम झेलम पर रखा। आज ये शहर पाकिस्तान में है। सिकंदर की सल्तनत आज के ग्रीस, ईरान और इजिप्ट तक थी। जब सिकंदर ग्रीस से निकला था तो ग्रीस के सर पर कब्जा था। सिकंदर के अभियान के 50 महीनों के अंदर ही दुनिया भर की दौलत सिकंदर के कदमों में आने के लिए तत्पर थी। सिकंदर अपने अभियान में भारत की तरफ भी आया और उसने यहाँ के राजा पोरस को एक संदेश भेजा। संदेशे में सिकंदर ने कहा था कि मैं तुम्हारे राज्य की सरहद पर खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मिलो और मेरा सत्कार करो। पोरस ने जवाब भेजा कि मैं तुमसे मिलूंगा लेकिन जंग के मैदान में। जंग हुई, सिकंदर विजय रहा। पोरस और सिकंदर दोनों जख्मी थे। सिकंदर ने फिर पोरस को संदेश भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। पोरस ने इनकार कर दिया। दूसरी बार में जब पोरस ने इनकार किया तो सिकंदर ने अगले संदेश में कहा कि एक दोस्त का संदेश है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तब पोरस सिकंदर से मिलने आया। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि जब तुम्हें पता था कि तुम हार जाओगे तब भी मुझसे जंग क्यों की? पोरस ने कहा कि सिकंदर तुम बहुत बहादुर हो और मैं अपनी बहादुरी तुमसे नापना चाहता था। दुनिया मानती है कि तुम बहादुर हो पर अब तुम भी मानो कि मैं भी बहादुर हूँ। सिकंदर ने इस बात से खुश होकर पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आऊं? पोरस ने कहा कि वैसे ही जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम अब क्या चाहते हो? पोरस ने सिकंदर से कहा कि मेरे पहले जवाब में ही सभी जवाब हैं। सिकंदर भी पोरस को सराय बिना नहीं रह पाया और उसने पोरस के राज्य में कुछ और इलाकों को जोड़कर उसे उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर में सल्तनतें वापस करने की अमीरी थी। सिकंदर का चरित्र पर दुनिया के सभी राजाओं में सबसे कम दाग है। सिकंदर ने कभी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की बल्कि एक राजा की विधवा के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया
कि वह खुद अपनी इच्छा से उसकी पहली पत्नी बनी। सिकंदर की युद्ध कला का अध्ययन आज तक बड़े बड़े फौज के जर्नल करते रहे। कहते हैं रोम के सबसे महान राजाओं में से एक जूलियस सीजर ने जब एक बार सिकंदर की एक मूर्ति देखी तो उसने सोचा कि जूलियस तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तक इस आदमी ने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। और तब जूलियस सीजर ने रोमन एम्पायर को फैलाना शुरू किया और पूरे यूरोप में अपना परचम लहराया। फ्रांस में नेपोलियन सिकंदर से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने मिस्र पर सिर्फ इसलिए हमला करके उसे जीता क्योंकि कवि सिकंदर ने महाराज किया था। सिकंदर अपने अंत के दिनों में दार्शनिक हो गया था और 32 साल की कम उम्र में ही सिकंदर की मलेरिया बुखार के चलते मौत हो गई थी। सिकंदर ने अपनी मौत से पहले अपने सिपाहियों को कुछ आदेश दिए थे जिसमें से पहला था कि मेरी अर्थी को मेरा हकीम ही लेकर जाए ताकि दुनिया को पहले पता चले कि मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। दूसरा उसका आदेश था कि मेरी अर्थी जहाँ से भी गुजरे वहाँ से मेरी दौलत बिखेर दी जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि सभी दौलत एक दिन यहीं रह जाएगी। और आखिर में सिकंदर ने ये आदेश दिया था कि मेरी अर्थी से मेरे हाथ बाहर की तरफ लटके हो ताकि दुनिया ये देख पाए कि इतनी रियासतों का मालिक सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ ही गया। सिकंदर जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। ऐसे कई राजा आए जिन्होंने सिकंदर से ज्यादा समय तक और सिकंदर से ज्यादा जमीन पर राज किया लेकिन सिकंदर का व्यक्तित्व कभी नहीं अपना पाए। दुनिया में एक ही सिकंदर आया और शायद इस दुनिया के लिए एक ही सिकंदर काफी था। इसलिए जब भी सिकंदर का नाम दुनिया भर में लिया जाएगा उसके साथ महान शब्द अपने आप ही जुड़ जाएगा। सिकंदर ने सिर्फ जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उसकी वजह से दुनिया के एक तरफ के लोग दूसरी तरफ के लोगों से मिल पाए। उसने रियासतों के बीच व्यापार के रास्ते खोले और जीतने के बाद भी लोगों को सम्मान से जीने की आजादी दी। ग्रीस के दुश्मन रहे पर्शिया को भी जब सिकंदर ने जीता तो उनके मंदिर तोड़ने और उनकी संस्कृति को नष्ट करने के बजाय उसने उनकी संस्कृति को अपना लिया। वे फारसी लिबास पहनने लगा था और उसने एक पर्शियन औरत से शादी भी की। आपको सिकंदर के बारे में क्या लगता है हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।